माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। क्या आप भी कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाए इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं, इन डेट को लेके कंफ्यूज्ड हैं? तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी उस दिन मनाई जाती है जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो अष्टमी तिथि रात को 12 बजे थी। तो टेक्निकली कृष्ण जी का जन्म कब मनाया जाएगा? जिस दिन भाद्रपद महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, उसके बाद अष्टमी तिथि हो और रात को 12 बजे भी अष्टमी तिथि हो। कृष्ण जी के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र विराजमान थे, तो क्योंकि रोहिणी नक्षत्र हमें हर बार नहीं मिल सकते, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए, तो वो है कि भाद्रपद महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और अष्टमी तिथि हो, रात को 12 बजे भी विराजमान हो। तो ऐसा इंडिया में 18th अगस्त को हो रहा है, जिस दिन हमारे पास कृष्ण जन्मोत्सव के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी सूत्र हैं, जितने भी हम रूल्स फॉलो करते हैं जिससे कि हम लोग ये पता लगा सके कि किस दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा, ये सब कंप्लीट हो रहे हैं ऑन 18th of August। कई जगह आप ये भी सुनेंगे कि 19th of August को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो 19th of August और 18th of August में सिर्फ नक्षत्र का डिफरेंस है। 19th of August को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो रोहिणी नक्षत्र फॉलो करने के लिए सिर्फ वो लोग फॉलो करते हैं, उनको तिथि से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी तिथि उस दिन पड़ रही है, चाहे वो नौमी पड़े चाहे वो अष्टमी पड़े। तो नवमी तिथि को 2022 में नवमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। तो उस दिन जो गृहस्थ जीवन को फॉलो नहीं करते, जैसे जो साधु संत हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो इस्कॉन टेम्पल में सेवा करते हैं, तो वो लोग सब 19th August को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उन सबको 18th August को ही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन आप सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहा धोकर व्रत का संकल्प करें। उस समय सप्तमी तिथि ही विराजमान होगी और अष्टमी तिथि सुबह के 9:22 से स्टार्ट होगी। 9:22 AM से ऑन 18th of August द जन्माष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि विल स्टार्ट। सो इट मीन्स एंड इट विल प्रिवेल टिल द 19th of August टिल 10:59। सो अष्टमी तिथि 18 अगस्त को सुबह 9:21 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी और अगली सुबह, इट मीन्स 19th of August को भी रात तक 10:59 PM तक विराजमान रहेगी। तो इट मीन्स हमारे पास मोर देन 24 आवर्स हैं जन्माष्टमी तिथि मनाने के लिए। लेकिन क्योंकि 19 तारीख को रात को 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं है, इसीलिए हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, वो हम 18 तारीख को ही करेंगे और 19 अगस्त को सूर्योदय के बाद आप लोग पारण करेंगे। कई लोग एक्चुअली तीन तरीके से इसके पारण होते हैं। पहला पारण होता है जो लोग व्रत रखते हैं सुबह से लेके शाम तक और शाम को वो व्रत खोल लेते हैं। सेकंड तरीका जो फॉलो करते हैं, वो करते हैं कि सुबह से व्रत शुरू करते हैं और उसके बाद वो कृष्ण जी के जन्म के बाद रात को 12 बजे उनका जन्मोत्सव मना के, उनको भोग लगा के फिर वो अपना व्रत खोलते हैं। और थर्ड तरीके के लोग होते हैं जो कि पूरा दिन व्रत करते हैं और अगली सुबह जब हम सूर्योदय हो जाता है उसके बाद वो अपना व्रत खोलते हैं। तो अगर आप लोग इनमें, आपके परिवार में जैसे होता है आप वैसे ही फॉलो कीजिए, वैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाइए, वैसे ही व्रत कीजिए। मैं सिर्फ आपको डेट का क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि आपको कौन सी डेट को मनाना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन वाले 18th of August को मनाएंगे और जो भी स्मार्ट धर्म को अपनाते हैं, जो भी साधु संत हैं, जो भी गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग सब 19th of August को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप व्रत का संकल्प जरूर करें। घर में कोई भी एक मिठाई जरूर बनाएं जो कृष्ण भगवान को आप भोग लगाएंगे।
बहुत जरूरी है कि आप तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, किसी भी तरीके का अनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल भी ना खाएं, मांसाहार की तो बात ही बहुत दूर की है। उसके अलावा आप लोग घर में जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात होती है वो मोहरात्रि होती है, उस दिन उस रात को सोना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। कृष्ण जी के भजन सुन के, उनकी लीलाएं बच्चों को सुना के, उनके बारे में बातें करके, उनके ही भजन कीर्तन करते हुए वो रात व्यतीत की जाती है। तो आप इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इस दिन बहुत सुंदर सुंदर झांकियां भी बनाई जाती हैं, मंदिरों में बहुत धूमधाम रहती है, बच्चे को बहुत मजे आते हैं क्योंकि कई बच्चों को उनकी माताएं कृष्ण जी का रूप में सजाती हैं, कई लोगों की माताएं अपनी बेटियों को राधा जी के रूप में सजाती हैं। तो बहुत ही सुंदर उत्सव है, बहुत ही प्यार भरा उत्सव है। आप सब भी इसको बहुत धूमधाम से मनाइए और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इस व्रत के लिए इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स को लेके, जिससे हम कृष्ण जी की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सफल बना सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो कैस्ट्रोलॉजी।